नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बेब्ल्यू फाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज के इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं जो अभी हमारे जो के, जो मेंस के के मेंस पेपर लग रहे हैं ना उसकी जो सीरीज चल रही है उसमें जो फर्स्ट हुआ है, टेस्ट जो फर्स है उसका अपन सोल्यूशन देखेंगे तो आइए देखते हैं एक एक करके ठीक है देखिए आज के इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपके सामने चार स्टेटमेंट दे रखे हैं कुल मिला के क्या दे रखा है आपके सामने चार आपको क्वांटिटी एक राशि दे रखी है और उसके सामने उसकी ऐसा SI, यूनिट दे रखी है अपने को बताना इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है तो कुल मिला के चार ऑप्शन में से एक करेक्ट है वो अपने को चुनना है तो आओ एक एक करके अपन देखते हैं क्या कहानी और क्या कहानी नहीं है ठीक है देखो सबसे पहले तो मैं आपको खुद ही बता देता हूं ताकि अपने को आइडिया लग जाए इसके अंदर क्या कहानी है ना एक सेकंड देखिए दोस्तों सबसे पहले बोला है जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं जूल पर सेकंड देखो मेरी बात सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से एक्चुअल में एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है ऊर्जा की जो ऐसा होती है वो दोस्तों सिर्फ जूल होती है सिर्फ क्या होती है जूल चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों जूल होती है जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे जिसको अपन डिनोट करते हैं जे से जबकि यहां क्या देखिए जूल पर सेकंड जूल ये जल नहीं है क्या बताओ आपका ये है जूल है ना जूल पर सेकंड तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा दोस्तों रोंग हो जाएगा अगला जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क हां ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है है ना ये एकदम परफेक्ट है दोस्तों ये एकदम क्या आपका परफेक्ट है हम जानते भी हैं दोस्तों क्या हम ये जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है वर्क बराबर क्या होता है तो वर्क बराबर होता है दोस्तों है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है न्यूनतम दूरी कोई भी दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी दूरी मापते हैं बताओ मीटर में तो डिस्प्लेसमेंट की तैसा यूनिट क्या हो जाएगी मीटर फोर्स के अपन जानते क्या होती है न्यूटन तो न्यूटन मीटर ठीक है इसको क्या बोलते हैं बताओ तो वर्क की यूनिट क्या हो सकती है बताओ न्यूटन मीटर या तो न्यूटन मीटर बोल दो लेकिन फिर अपन सोचे इतना कौन बोले तो एक टर्म बोलो तो वो अपन बोलते हैं दोस्तों क्या वो अपन बोलते हैं जूल क्या बोलते हैं जूल जिसको डिनोट करते हैं किससे जे से तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती दोस्तों? तो ये है क्या सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों पावर पावर क्या होता है दोस्तों पावर होता, होता है आपका अगर अपन देखें पावर क्या होता है पावर अगर अपन देखें तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम पावर क्या होता है दोस्तों पावर की अगर अपन बात करें पावर इज इक्वल टू क्या होता है तो दोस्तों जो वर्क किया है पर टाइम में है ना वर्क अपॉन टाइम अभी भी अपने देखा वर्क क्या होता है दोस्तों वर्क होता है जूल वर्क क्या होता है दोस्तों जूल और टाइम किस में लेते हैं दोस्तों सेकेंड में तो जूल पर सेकेंड क्या होता है दोस्तों जूल जूल पर क्या होता है दोस्तों सेकेंड हाँ या तो इतना बोल दो जूल पर सेकंड या फिर अपन बोल सकते हैं दोस्तों दोस्तों क्या 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 बोलते वाट। क्या बोलते है? वाट। क्या बोलते हैं 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 तो पावर जो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं है? शक्ति तो शक्ति की ऐसा यूनिट क्या होती है या तो बोल दो जूल जूल के हिसाब से बोलो तो जूल पर सेकंड या फिर बोल दो दोस्तों क्या बोल दो वॉट तो यहां पर दोस्तों पावर की क्या दे रखी है यहां पर दे रखी है पावर की जूल पर न्यूटन नहीं ये गलत है जूल पर क्या होता है सेकंड होता है तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा ठीक है और द यूनिट ऑफ एनर्जी इज द नहीं तो बिल्कुल ही गलत है किसकी यूनिट है अभी वेपन देखा, किस होती है अभी देखा होती पावर की होती है तो यह भी क्या हो जाएगा गलत तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन ये पृथ्वी का उपसौर किस दिन होता है आओ क्या कहना चाहता मैं आपको अच्छे से समझाता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता हूं मैं आपको बताता हूं देखिए देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं जैसे ये अपना है सूर्य ये क्या है पता अपना ये क्या है आपका सूर्य सूर्य बोले तो सन और इसके आसपास आपको पता ग्रह क्या लगाते हैं चक्कर तो हमारी अर्थ भी दोस्तों इसके आसपास क्या लगाती है चक्कर लगाती है अब जरा देखो क्या कहानी है देखो ये है जैसे अपनी पृथ्वी बोलो ये है अपनी क्या पृथ्वी एक बार मैंने यहां बना दी एक बार इसके चारों तरफ घूमते घूमते पृथ्वी यहां पर आ गई ठीक है अब आप समझना जरा क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए क्या अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य और ये जो हमारी क्या है दोस्तों पृथ्वी ये हमारी क्या है पृथ्वी पृथ्वी बोले तो क्या है दोस्तों अर्थ है इसके बीच में आपको पता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहां पे अलग से लिख देता हूं दोस्तों क्या सूर्य और पृथ्वी अर्थ है ना इसके बीच की जो क्या होती है दोस्तों डिस्टेंस होती है है ना इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है एक तो वो मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है एक तो सबसे कम दूरी सूर्य पृथ्वी के बीच में मिनिमम कब होती है और कितनी होती है एक दोस्तों मैक्सिमम डिस्टेंस है ना ज्यादा से ज्यादा ये डिस्टेंस कब होती है और किस दिन होती है जिस दिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है ये सूर्य पृथ्वी के बीच की क्या है कम से कम दूरी है ये सूर्य पृथ्वी के बीच की क्या है? दोस्तों अधिकतम दूरी है तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है लगभग लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर 14.70 करोड़ किलोमीटर और सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है, है, है किलोमीटर किलो देखो ऐसे 14, 5 क्या होता है 70. और यहां थ्री की टेबल फाइव सेवन बोलो ऐसे थोड़ा सा लिंक बनाना और ऑन एन एवरेज अगर डिस्टेंस पूछे आपको है सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है तो वो होती है आपकी लगभग लगभग पंद्रह करोड़ किलोमीटर पंद्रह करोड़ किलोमीटर लगभग लगभग मोटा मोटी पंद्रह करोड़ किलोमीटर होती है लेकिन अधिकतम दूरी सूर्य पृथ्वी के बीच में पंद्रह पॉइंट इक्कीस करोड़ किलोमीटर न्यूनतम दूरी सूर्य पृथ्वी के बीच में चौदह पॉइंट सत्तर करोड़ किलोमीटर अब अब अपन ये देखेंगे ये होता कब है ऐसा कब होता है दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है कब तीन जनवरी को कब होती है दोस्तों तीन जनवरी को और सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी किस दिन होती है दोस्तों ये होती है आपकी चार जुलाई को चार जुलाई को आप ऐसे याद रखना इसको तीन कम है और यहां चार ज्यादा है तो ज्यादा दूरी चार को और कम दूरी तीन को महीना भी यहां पर जनवरी पहले आता है कम है तो तीन जनवरी को न्यूनतम दूरी और चार जुलाई को दोस्तों अधिकतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जब सूर्य के चारों और पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उस दिन सबसे कम सबसे कम डिस्टेंस कौन सी तारीख को होती है दोस्तों तीन जनवरी को होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग फोर्टी फोर्टीन पॉइंट सेवेंटी करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी होती है चार जुलाई को और इन्हीं स्थितियों को अलग अलग नामों से जानते हैं दोस्तों जो न्यूनतम दूरी होती है इसको तो अपन कहते हैं सूर्य पृथ्वी के बीच में जब न्यूनतम दूरी होती है तीन जनवरी को इस घटना को तो बोलते हैं दोस्तों उपसौर क्या बोलते हैं इसको तो बोलते हैं उपसौर क्या बोलते हैं उपसौर जबकि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है इसको बोलते हैं दोस्तों अपसौर क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपसौर अच्छा उपसौर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं पेरी हेलियन बोलो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सॉरी इंग्लिश में हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको पेरी हेलियन जबकि इंग्लिश में अपसौर को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एपी हेलियन क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं एपी हेलियन आपको पता है साइंस पोलिटिकी हुए वर्ड्स पर सूर्य के लिए सन के लिए आपको पता है है ना साइंस कौन सा वर्ड इस्तेमाल करती है या तो वर्ड इस्तेमाल करती है सोलर या फिर आपको पता वर्ड इस्तेमाल करती है कौन सा हीलियो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करती है हीलियो है ना क्योंकि आपको पता भी है सूर्य में ज्यादातर दो ही गैस है एक हाइड्रोजन और, और, और एक आपका क्या हीलियम हाइड्रोजन के अणु जुड़ जुड़कर क्या बनाते हैं दोस्तों हीलियम बनाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से जुड़कर आपस में हीलियम बनाते हैं ना वहीं से वर्ड लिया कौन सा हीलियो तो सूर्य के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कौन सा हीलियो इसलिए स्टडी ऑफ आपको पता है सन सूर्य का दिन क्या कहलाता है आपका सूर्य का दिन कहलाता है हैजी वहीं हेलियो से वर्ड बना है आपका हेलियो पेरीहेलियन और आपका एपी हेलियन ऐसे याद रखना इंग्लिश में अ से अपसौर तो अ से ही एपी हेलियन और ये हो जाएगा आपका उपसोर को क्या बोलते हैं पेरीहेलियन तो उप उप दोस्तों कम है और अप दोस्तों क्या है ज्यादा है अप मतलब अप खड़ा हो जा दूर हो जा ठीक है अप खड़ा हो जा दूर हो जा ठीक है तो दूर तो दूरी के लिए तो अप, अपसौर और कम दूरी के लिए दोस्तों क्या है उपसौर है तो मैंने ये पूरा का पूरा आपको शॉर्ट में समझा दिया कि हर क्या कहानी नहीं है अब बताओ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पृथ्वी का उपसौर किस दिन होता था? उपसौर यानी कम वाला है दोस्तों तो इसने सिर्फ महीना पूछा है तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा जनवरी और कौन सा जनवरी आता है तो अपने को पता है कौन सा जनवरी है दोस्तों तीन जनवरी क्लियर है नेक्स्ट आओ अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन यह है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है ना किसके अंदर सबसे ज्यादा दोस्तों पुरुष साक्षरता क्या की गई है दर्ज की गई है तो आओ देखते हैं देखो दोस्तों एक्चुअल में मैं आपको बता देना चाहता हूं 2011 के की जो जनगणना हुई थी उसमें अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब मिला के बोले तो सबसे ज्यादा दोस्तों लिटरेसी रेट थी किसकी केरल की वो थी लगभग फोर परसेंट लगभग ऐसा कुछ है तो लगभग मोटा मोटी बोलो तो 94 लगभग 93.8 या 9 के समथिंग ऐसा कुछ है तो तो मोटा मोटी तो लगभग केरल की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों लिटरेसी रेट कितनी नाइन्टी जब जबकि जबकि केरल से ही अगर आप इंडिया का मैप देखो ये अगर आप इंडिया का मैप देखो तो ये केरल है और केरल से ही तो दोस्तों कुछ लोग जाके इधर बस है इस आईलैंड में और इस आईलैंड बोलते है, क्या बोलते हैं लक्षद्वीप यही से गए तो अब इसी बात है लक्षद्वीप के अंदर भी बहुत सारे लोग क्या है पढ़े लिखे हैं तो अगर बात करें सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो सबसे ज्यादा हाई लिटरेसी रेट है वो किसकी दोस्तों वो है आपकी लक्षद्वीप की और लक्षद्वीप की है दोस्तों कितनी इसकी है लगभग लगभग 91.8% के आसपास ठीक है तो अगर सिर्फ शासित प्रदेशों की पूछे देन तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है किसकी लक्षद्वीप की लेकिन केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सब मिला के पूछे तो फिर फर्स्ट नंबर पे रखेंगे दोस्तों किसको केरल को तो यहां हमारे से सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज का पूछा था तो दोस्तों उत्तर आ जाएगा क्या लक्षद्वीप यहां की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाइएस्ट है डन समझवाएं आपको यह दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव, जो दमन दी वाला दीव है उसको पुर्तगालियों को दे दिया था तो ये एक छोटू सा फैक्ट है गुजरात के शासक का नाम था दोस्तों बहादुर शाह क्या नाम था उसका नाम था दोस्तों बहादुर शाह ठीक है अगला देखो इसके बाद एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कार्यकाल तो समाप्त हो गया लेकिन उसके बावजूद भी कब तक अपने पद पर बना रहेगा तो बेसिक सी बात है भाई एक बार कार्यकाल तो खत्म हो गया वैसे मैं आपको बता देता हूं राज्यपाल का ऐसा कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता तीन चार साल तीन साल या चार साल या पांच साल अगर आपसे पूछा जाए जो दोस्तों राज्यपाल होता है कौन होता है दोस्तों जो आपका राज्यपाल होता है इंग्लिश में बोले तो जो क्या होता है दोस्तों जो आपका गवर्नर होता है है ना इसका अगर आपसे पूछा जाए कार्यकाल क्या होता है तो दोस्तों आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते तीन साल या फिर चार साल ऐसे नहीं बोल सकते एक्चुअल में इसका कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक सेंट्रल लेवल की जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहेगी जनरली चाहती है लेकिन सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट किसको बोलती है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ठीक है राष्ट्रपति जी अब इसको उसके हटा दो तो बस राष्ट्रपति हटा देता है तो राष्ट्रपति की खुद की मर्जी नहीं है प्रैक्टिकलिटी में देखें तो मर्जी है किसकी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की जो मंत्री परिषद होती है उसकी होती है मेरी बात समझने की कोशिश करो लेकिन हस्ताक्षर तो कौन करता है साइन तो कौन करता है राष्ट्रपति तो हम तो साइन के हिसाब से चलेंगे तो साइन के हिसाब से हम बोलेंगे क्या राज्यपाल का कार्यकाल रहता है गवर्नर का कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति की इच्छा तक इच्छा नहीं इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है बोलते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर्यंत तक प्रसाद तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में उसको बोलते हैं ये कोई फिक्स नहीं बोलोगे आप बोलोगे एक गवर्नर का कार्यकाल होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट लेकिन चलो ठीक है एक बार कार्यकाल हो गया अब बोल दिया कि अब ठीक है अब राज्यपाल जी आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है अब हम नया राज्यपाल ले गएंगे लेकिन अभी तक नया राज्यपाल नहीं आया और उस राज्यपाल को बोल दिया आपका कार्यकाल खत्म हो गया तो क्या बस उठ के चला जाएगा नहीं वो तब तक उस सीट पर काम करेगा जब तक वो जो नया कार्यकाल अपॉइंट हुआ है वो ना आ जाए मेरी बात आई समझ में तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद भी कब तक अपने पद पर बना रहेगा तो इसका उत्तर होगा जब जब तक उसका उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण ना किया जाए जब तक उसका उत्तराधिकारी मतलब उसका अगले वाला बंदा उस पद को ग्रहण करने के लिए ना आ जाए तब तक वो अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बावजूद भी रहेगा तो इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी क्या और हर जो जो भी uh, है, female, जो भी मेल या फीमेल उस पद पर है जब तक तो उसका सक्सेसर आगे वाला बंदा ना आ जाए उसके ऑफिस को ग्रहण करने के लिए तब तक वो अपने पद बना रहेगा ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो यह है कि संक्षेप में निम्न की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है यह आपको यहां से समझ में नहीं आएगा क्या यार क्या नहीं क्योंकि इसकी हिंदी कुछ बहुत ही बेकार से बना दी आपको उसकी इंग्लिश लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी एक आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा है ना जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हो तो उसमें एक टाइम अपन पढ़ते हैं दोस्तों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या पढ़ते हैं दोस्तों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं या आप आर्टिकल थर्टीन के अंदर भी कुछ इस तरह के आप टर्म्स देखते हो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं किया जाएगा चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो चाहे हमारी सरकार की कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बनाए समुद्र विधायिका जो हमारी पार्लियामेंट है कोई ऐसा कानून बनाए फिर उसको लागू करती कौन कार्यपालिका वो लागू करे लेकिन वो कानून अगर किसी व्यक्ति के कुछ बेसिक राइट्स का क्या कर रहा है अधिकार का हनन कर रहा है वॉलेशन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को पूरे के पूरे को क्या कर देती है कभी कभी हटा देती है

सिद्धांत क्या कहते हैं दोस्तों जिसको अपन कहते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ड्यू प्रोसेस ऑफ वो, वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ जस्टिस ठीक है अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 112 है क्या कहना चाह रहा है दोस्तों कि गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था ठीक है तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के वो प्रतिपादक माने जाते हैं एक्सपोनेंट माने जाते हैं तो दोस्तों एक्चुअल में जो आपके गुरु बिपिन सिंह जी है कौन है दोस्तों जो गुरु आपके है ना बिपिन सिंह जी है बस इनका संबंध याद रखना किससे इनका संबंध दोस्तों मणिपुरी से इनका इनका संबंध किस क्लासिकल डांस है इनका संबंध दोस्तों बिपिन सिंह जी का मणिपुरी से एक छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा अगला है द मूर्स लास्ट सिंह द मूर्स है ना वहां का लास्ट सिंह है इस उपन्यास इस नॉवल के लेखक कौन है दोस्तों इसके लेखक है सलमान रुश्दी कौन है दोस्तों इसके जो लेखक है दोस्तों उसके लेखक है दोस्तों सलमान रुश्दी इन सलमान रुश्दी की बहुत सी फेमस फेमस बुक्स और नॉवल्स हैं जिसमें से एक मैं आपको और बता देता हूं जो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और उसका नाम है मिड नाइट चिल्ड्रेन बोलो क्या नाम है उसका नाम है आपका मिड नाइट चिल्ड्रेन मिड नाइट्स चिल्ड्रेन एक्चुअली आई थी ये वाली इनकी बुक और ये भी बहुत फेमस और बहुत तरह एग्जाम में पूछी जाती है तो मिड नाइट चिल्ड्रेन भी आपने को याद रखनी किसके दोस्तों सलमान रूस्ती की है एक अभी शायद 2024 में भी आई थी नाइफ करके चाकू वाला ना नाइफ आफ्टर मर्डर मेडिटेशन करके ऐसा कुछ था तो वो आई थी लेकिन ये सब ज्यादा पूछी जाती है इसलिए ये आप नाम जरूर याद रखना मिड नाइट चिल्ड्रेंड यह भी किसके दोस्तों सलमान रूस्दी की बुक है नेक्स्ट अगला देखो गोवा की किस नृत्य शैली नृत्य के नाम से भी दोस्तों जा, जाना जाता है। गोवा की इसमें से कौन सी जो नृत्य शैली है, तो है दोस्तों ये एक छोटा सा है, अपने वो रखना पड़ेगा गोवा की एक नृत्य शैली है, है ना? जिसको अपन योद्धा नृत्य के नाम से जाना किसको जानते हैं दोस्तों घोड़े मोदनी को अपन जानते हैं किसके नाम से योद्धा नृत्य के नाम से इसको जानते हैं क्लियर है ओके चलो अगला हमारा क्वेश्चन है एक जगह है पूना सतारा ये की जगह अपन जानते हैं और और महाराष्ट्र के भी अन्य शहरों में आपके सामने चार संगठन दे रखे हैं इन संगठनों में से कौन सा ऐसा संगठन है जो पूना सतारा और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में स्थापित किया गया था जिसका काम था क्या ब्राह्मणवादी और रूढ़ीवादी था जो चली आ रही है कि मंदिरों में से ब्राह्मणी जाएंगे या केवल वही प्रवेश करेंगे या इस तरह की जो सोच है उसको एक तरीके से खत्म करना और हिंदू धर्म में सुधार लाना तो इसके लिए महाराष्ट्र के पूना सतर और और अन्य शहरों में कौन सा संगठन है जो स्थापित किया गया था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार एग्जाम आता है इसका नाम था दोस्तों परम हंस मंडली ये लगभग 1840 के आसपास स्थापित किया गया था ठीक है क्या नाम है दोस्तों परम परमहंश मंडली बाकी मैं आपको बताई चुका हूं रामकृष्ण मिशन वही स्वामी विवेकानंद वाला है आर्य समाज दोस्तों किसका है स्वामी दयानंद सरस्वती का है इसकी स्थापना कभी थी आर्य समाज की एटीन में किसके द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दयानंद सरस्वती द्वारा ठीक है बाकी रामकृष्ण मिशन अपन जानते ही हैं किसका है स्वामी विवेकानंद का इनके गुरु जी थे स्वामी विवेकानंद के स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे रामकृष्ण उनके नाम पर इन्होंने दोस्तों इस मिशन की स्थापना की थी ब्रह्म समाज आप जानते हो मैंने कई बार आपको मॉक टेस्ट में करवा दिया यह है आपका सती प्रथा का विरोध करने वाले कौन राजा राम मोहन रॉय का ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमांश मंडली नेक्स्ट अगला देखो अगला है कि इनमें से आपके सामने चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और बोला कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है मशरूम मशरूम क्या होता है आप जानते हो ना फंगस होता है मशरूम क्या होता है दोस्तों एक तरह की फंगस होती है मशरूम क्या होता है एक तरह के दोस्तों मशरूम एक तरह के फंगस होते हैं फफूंद होती है ठीक है तो कुछ मशरूम में औषधीय गुण होते हैं बिल्कुल सही बात है कई ऐसे मशरूम जिनका इस्तेमाल हम दवाया बनाने में करते हैं औषधीय गुण होते हैं बिल्कुल सही बात है कुछ मशरूम में मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं सम मशरूम्स हैव साइको साइकोकेटिव साइकोकेटिव प्रॉपर्टीज ये बिल्कुल एकदम सही है मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं बिल्कुल हमारे मानसिक विकास के लिए भी अच्छा माना गया है मशरूम कुछ मशरूम में कीटनाशक गुण होते हैं बिल्कुल सही बात है ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स वाली प्रॉपर्टीज रखता है ये भी एकदम सही है कुछ मशरूम में बायोलिमिनेंट गुण होते हैं ये भी एकदम सही है ये बात हो सकता है कईयों को समझ में नहीं आएगी ऊपर वाले आए तो समझ में आ गई इजीजी है ये नहीं समझ में आ गया होगा ये क्या कहना चाह रहा है इसका मतलब है दोस्तों आपको पता है बायो बायो का मतलब क्या होता है जीव ल्यूमिनेंट वर्ड का मतलब होता है प्रकाश कुछ जीव जो अपने से प्रकाश निकालते हैं या रोशनी सी निकालते हैं ऐसा लगता है उनमें से रोशनी सी आ रही है ऐसे जीवों को बोलते हैं बायोल्यूमिनंट ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट है ना बायो बायोल्यूमिनसेंट ऑर्गेनिज्म ठीक है जैसे आपने जुगनू देखा होगा जुगनू से ऐसा लगता है जैसे बत्तीस जल्दी उसमें प्रकाश ऐसा निकल रहा है तो जुगनू क्या एक तरह का बायोल्यूमिनिसंट ऑर्गेनिज्म है जीव है

सारे के सारे स्टेटमेंट आपके है, सही है ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल फोर सही हो जाएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए प्रशासन में दीवाना ए इंशा का कार्य कार्यालय है ना किस मामले से संबंधित था मतलब दीवान दीवाना है ना दीवान दीवाना क्या होता है दीवान ये दीवाना नहीं है इसको थोड़ा सा सही करो दीवाना नहीं दीवान दीवान है ना दीवान ए इंशा दीवान ए इंशा का संबंध किस चीज से होता था तो इनका संबंध होता था दोस्तों राज्य में जो पत्राचार होता था है ना जो कोई uh, का कोई गैजेट नोटिफिकेशन जारी करवा दिया उसको किसी तक भेजना या वहां के नोटिस को अपने राजा को सूचित करना ये सब काम होता था दोस्तों किस मंत्रालय का दीवान ए इंशा का तो इसका संबंध होगा राज्य पत्राचार से कैसे संबंध होगा दीवान ए इंशा का राज्य पत्राचार से दोस्तों इसका संबंध है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्न राजवंशों पर विचार करो ठीक है करते हैं तो अब बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द अब स्टेब्लाइज देयर किंगडम इन अर्ली एट्थ सेंचुरी एडी के आठवीं शताब्दी के आसपास या उन दिनों के आसपास इनमें से कौन सा ऐसा साम्राज्य जिसकी स्थापना की गई थी चार आपके सामने दे देखा दोस्तों हौशल गढ़वाल काकती और यादव तो दोस्तों ये जो आपका अगर अपन देखें इन सबको अगर अपन कंपेयर करके देखें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें हौशल की हौशल दोस्तों इसकी स्थापना लगभग नृप काम ने की थी एक हजार छब्बीस ईस्वी के आसपास ठीक है की की स्थापना स्थापना किसने थी दोस्तों इसकी नृप काम करके एक शासक हुआ करता था इसने लगभग एक से लगभग एक के बीच में है ना स्थापना की थी दोस्तों किसकी हौसल साम्राज्य की किसकी स्थापना की थी हौसल साम्राज्य की ये पे लगभग आज के तारीख में तो हौसल साम्राज्य मोस्ट ऑफ इलाका इसका कर्नाटक में बाकी कुछ थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में इसका कुछ इलाका बाकी मेनली कहां पर है दोस्तों है ना तो मेनली आपका कहां पर है कर्नाटक के अंदर है तो आप बोल बोलते ये भी ठीक है परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है और गढ़वाल की अगर बात करें तो ये भी लगभग 1200 के आसपास का है काकतीय की बात करें तो काकतीय वंश की स्थापना पंचाते किसने की थी रुद्रदेव ने किसने की थी दोस्तों रुद्रदेव ने की थी ये भी लगभग ग्यारह के आसपास है एक्चुअल में इसका उत्तर होगा आठवीं शताब्दी के आसपास के लिए दोस्तों होगा यादव कौन सा वंश होगा दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों यादव अच्छा हाँ बिल्कुल इस यादव वंश की स्थापना की थी दोस्तों दृढ़ प्रहार करके एक शासक था क्या नाम था उसका दृढ़ प्रहार करके एक शासक था है ना इसी ने दोस्तों यादव वंश की स्थापना की थी लगभग लगभग आठ ईस्वी के आसपास कब की थी दोस्तों इसकी स्थापना लगभग 860 सौ ईस्वी के आसपास की थी इसकी स्थापना तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यादव क्या हो जाएगा दोस्तों यादव तो आठ शताब्दी के आसपास ओनली फोर्थ आएगा दोस्तों तो ओनली फोर्थ आ जाएगा इसका ओनली क्या जाएगा दोस्तों फोर्थ आ जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट अगला देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है है ना इन कथनों में से कौन सा कथन कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका क्या है सही है तो इन अगर स्टेटमेंट्स को अगर अपन पढ़ें, तो आओ, अच्छा को तो ये नहीं समझ में आएगा ब्राई ऑफ क्या है तो एक टर्म मैं आपको बता देता हूं जरा ध्यान से सुनिए आपको पता हो दुनिया के समस्त जीवों को इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं इस दुनिया के अंदर जितने भी क्या दोस्तों ऑर्गेनिज्म थे तो आपको पता है दुनिया के समस्त जीवों को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या दोस्तों आर एच विटेकर क्या नाम था दोस्तों आर एच विटेकर करके एक व्यक्ति हुआ करते थे है ना इन्होंने क्या किया लगभग नाइनटीन के आसपास दुनिया के समस्त जीवों को कितने हिस्सों में बांट दिया दोस्तों पांच किंगडम के अंदर क्या कर दिया बांट दिया है ना पांच किंगडम किंगडम बोले तो जगत के अंदर दोस्तों क्या कर दिया बांट दिया दुनिया के समस्त जीवों को पहले तो आपको पता है केवल दोस्तों में बांटा गया था या तो इस दुनिया में कोई प्लांट है या फिर इस दुनिया में कोई क्या है एनिमल है लेकिन नहीं कुछ ऐसे जीव मिले जो न तो प्लांट की प्रॉपर्टी रखते थे ना आपके एनिमल की प्रॉपर्टी रखते थे ना पादप की प्रॉपर्टी रखते थे गुण रखते थे न जीवों की जंतुओं की प्रॉपर्टी रखते थे जंतुओं की तो फिर जैसे बैक्टीरिया हो गया बैक्टेरिया को आप किस में डालोगे तो फिर आर एच विटेकर ने आगे चलकर प्रॉपर तरीके से दुनिया के समस्त जीवों को पांच हिस्सों में क्या किया दोस्तों बांट दिया जिसको अपन बोलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं पांच जगत का वर्गीकरण बोलते फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वो अगर आपने नाम सुना हो तो उसमें जैसे सबसे पहले दुनिया के कुछ जीवों को उसने इसके अंदर डाला किसके अंदर मोनेरा में है ना किसमें डाला दोस्तों मोनेरा में कुछ जीवों को उसने डाला जिसका नाम रखा दोस्तों प्रोटेस्टा क्या नाम रखा प्रोटेस्टा क्या नाम रखा इसका प्रोटेस्टा कुछ जीव थे दोस्तों जिसका नाम रखा दोस्तों फंगस फंजाई फंजाई में रखा ठीक है कुछ को दोस्तों इसने रखा किसमें में प्लांटी बोले तो प्लांट्स में और कुछ को रखा दोस्तों इसने किसके अंदर एनिमल्स में इस तरह से दुनिया के पांच समस्त जीवों को पांच जगत के अंदर दोस्तों क्या कर दिया बांट दिया ठीक है मोनेरा में जनरली दोस्तों कौन आते हैं मोनेरा में जनरली आप बोलोगे बैक्टीरिया बैक्टीरिया हमेशा याद रखना दोस्तों जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं जीवाणु जीवाणुसार के सारे किस में आते हैं दोस्तों जीवाणु सारे के सारे आपके मोनेरा में आते हैं प्रोटेस्टा में अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो आप एक याद रख लो दोस्तों प्रोटोजा अभी अमीबा वगैरह प्रोटोजाइट होते हैं तो ये सारे किस में आते हैं प्रोटेस्टा में जबकि फंगस फंगजाई में तो इसमें तो बस वही फंगस है ही अपनी जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं कवक या फिर क्या कहते हैं फफूंद वो सारी इसमें आती है जबकि प्लांट्स और फिर आपके बच गए क्या एनिमल्स फिर इसने आगे और क्या किया आगे इसने कुछ और कैटेगरीज बनाई किसकी बनाई दोस्तों प्लांट्स की और किसकी कैटेगरीज बनाई एनिमल्स की जैसे आगे फिर इसने क्या किया गया गया? दोस्तों आगे इसने प्लांट्स को कुछ और हिस्सों में बांटा प्लांट्स को कुछ और हिस्सों में बांटा प्लांट्स को कुछ और हिस्सों में बांटा कितने हिस्सों में बांटा पांच हिस्सों में आगे जिसमें बांटा उसको कहा गया संघ तो इसने प्लांट्स को पांच संघों के अंदर क्या कर दिया बांट दिया संघ को इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम पहले तो किंगडम बनाए फिर किंगडम से आगे क्या बनाए फाइलम बनाए और इस हिसाब से एनिमल को उसने आगे अगर पूछा जाए एनिमल जो उसने बनाए थे एनिमल्स को आगे कितने संघों में बांटा दोस्तों तो ग्यारह संघों के अंदर ग्यारह फाइल्स के अंदर इसने क्या किया दोस्तों और आगे एक बांट दिया अब मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं दोस्तों किसकी मैं बात बता रहा हूं आपको प्लांट्स की तो प्लांट्स को इसने आगे पांच और संघों के अंदर बांट दिया पांच और संघों के अंदर क्या कर दिया दोस्तों बांट दिया कितने के अंदर पांच के अंदर वो पांच कौन कौन से है दोस्तों अगर अपन बात करें तो ठीक है वो अगर पांच कौन कौन से हैं अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले इसने रखा पांच संघों में सबसे पहले रखा दोस्तों एलगी यस तो एलगी जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों जिसको अपन कहते हैं सहवाल तो सहवाल किसके अंदर आते हैं आपके तो सहवाल आपके आते हैं किसके अंदर सहवाल आपके आते हैं प्लांट्स में ठीक है और दूसरा दूसरी इसने जो संघ बनाया उसका नाम रखा इसने दोस्तों क्या उसका नाम रखा इसने ब्रायोफाइटा क्या नाम रखा दोस्तों दूसरा इसका इसने जो बनाया उसका नाम रखा ब्रायोफाइटा तो ब्रायोफाइट्स है ना हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको ब्रायोफाइट ठीक है तो तीसरा जो उसने बनाया उसका इसने नाम टेरिडो फाइट उसमें पी साइलेंट होता है स्पेलिंग में है ना टेरिडो फाइट तो तीसरा इसने बनाया टेरिडो फाइट पढ़ लोगे ना टेरिडो फाइट तो ये तीसरा इसने बनाया दोस्तों क्या टेरिडो फाइट और चौथे नंबर पर दोस्तों इसने बनाया क्या चौथे नंबर पर इसने बनाया आपका है ना आपका जिम्नोसपम

अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराँ कम से कम आपको नाम तो पता चलना चाहिए कि ये क्या चीज है तो दोस्तों सबसे पहले क्या सेवाल फिर सेवाल से, से, से थोड़े विकसित प्लांट होते हैं ब्रायोफाइटा उससे थोड़े विकसित होते हैं टेरिडोफाइटा और उससे विकसित आपके होते हैं जिम्नोस्पम और कौन से आपके दोस्तों एनजीओस्पम कौन होता है दोस्तों उससे विकसित होते हैं आपके जिम्नोस्पम और आपके कौन से होते हैं उससे विकसित होते हैं आपके कौन से आपके एनजीओस्पम ठीक है ठीक है ये तो होते हैं अनावृत बीजी अनावृत बीजी मतलब इनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है ये बीज दोस्तों आवरण मतलब ढके हुए बीज होते हैं

अब इनमें से कथन में से कौन सा आपका कथन सही है तो इसमें से जो आपका कथन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो एकदम परफेक्ट है द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स ऑकर्स थ्रू वाटर बिल्कुल एकदम सही है जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो नर युग्मक होते हैं एक होते हैं मादा युग्मक एक होता है नर युग्मक इसी से तो आपका सेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन होगा उसी से आगे नए बीज बनते हैं नए पेड़ पौधे बनते हैं तो जो नर युग्मकों का जो परिवहन होता है वो जल के माध्यम से होता है ये हमेशा बिल्कुल जो ब्रायोफाइटा टाइप के प्लांट होते हैं टेरिडोफाइटा नाम के जो प्लांट होते हैं उसमें जो नर युग्मक होते हैं उनका परिवहन सदैव किसके द्वारा किया जाता है जल के द्वारा ये एकदम सही है तो स्टेटमेंट नंबर एक, okay. एक सरकारी बजट का प्राथमिक घाटा सिक्स नाइन डबल जीरो है और ब्याज का भुगतान पर राजस्व दोस्तों क्या दोस्तों चार सौ करोड़ रुपए घाटा तो किसके बराबर होगा ये अगर आप लोगों ने दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ा हो कौन सा इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ा हो तो घाटा आपने जरूर एक टॉपिक पढ़ा होगा घाटा करके जिसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं अपन डेफिसिट के, के नाम से किसके नाम से डेफिसिट के नाम से तो उसमें दोस्तों अपन एक घाटा पढ़ते हैं जिसका नाम होता है राजकोषीय घाटा क्या होता है एक घाटा अपन पढ़ते हैं जिसका नाम होता है राजकोषीय घाटा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजकल डेफिसिट क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फिजकल डेफिसिट ठीक है फिजकल डेफिसिट बोलते हैं ठीक है परफेक्ट अब ये कैसे निकाला जाता है दोस्तों राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है तो राजकोषीय घाटा इसके लिए कई फॉर्मुले होते हैं लेकिन उसमें से एक फॉर्मुला मैं आपको और बता देता हूं वो क्या होता है तो राजकोषीय घाटा है और एक मैं आपको सुनो राजकोषीय घाटा कैसे निकालते तो हैं उसका एक तरीका और बताता हूं ताकि अपना जो क्वेश्चन है अपन उसके हिसाब से अपन देखें एक घाटा अपन पढ़ते हैं दोस्तों प्राथमिक घाटा कौन सा घाटा एक अपन पढ़ते हैं दोस्तों प्राथमिक घाटा प्राथमिक घाटा जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में है बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट अब आपका ये राजकोष सॉरी प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हो तो जो आपने ऑलरेडी अगर आपके पास निकला आ, है वैल्यू है किसकी राजकोषीय घाटे की किसकी वैल्यू दोस्तों राजकोषीय घाटे की फिस्कल डेफिसिट की राजकोषीय घाटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फिस्कल क्या बोलते हैं दोस्तों फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट में से जो ब्याज का भुगतान जितना भी देश ने जितना भी एक देश का राजकोषीय घाटा है जितना भी राजकोषीय घाटा निकला है उसमें से अगर आप उस देश का ब्याज का भुगतान ब्याज का भुगतान है ना ब्याज का भुगतान पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बोलो क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस भी देश ने अब भाई, भाई हमारा इंडिया हो या कोई भी देश हो हम उधार लेते हैं ना बिल्कुल लेते हैं तो जिससे हम उधार लेंगे उसको ब्याज भी तो चुकाते हैं ना तो बहुत से हर देश भाई ब्याज लेगा तो अपना और ब्याज मतलब अगर लोन उधार लेगा तो उस पर क्या चुकाएगा ब्याज भी चुकाएगा भाई कोई देश अगर किसी से ब्याज पर पैसे लेगा तो ऑब्वियसली बात है वो ब्याज चुकाएगा भी ना तो अगर आप किसी भी देश का राजकोषीय घाटा निकाल दो और उसमें से उस ईयर का उस फाइनेंशियल ईयर का जितना उस देश ने ब्याज का क्या किया भुगतान किया वो माइनस कर दो वो जो घाटा निकल गया उस घाटे को बोलते दोस्तों कौन सा घाटा प्राथमिक घाटा अब हमारे इस बार पूछा क्या है इस बार हमको राजकोषीय घाटा पूछा है

आपका राजस्व है, राजस्व भुगतान कितना दोस्तों चार सौ करोड़ तो चार सौ करोड़ इसमें जोड़ दोगे तो उत्तर आएगा सात हजार तीन सौ करोड़ सात हजार तीन सौ करोड़ और यही हमारे सवाल का दोस्तों क्या है उत्तर है। क्योंकि जो आपका ब्याज का भुगतान होता है वो एक टाइप का ही होता है क्या होता है दोस्तों वो एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है

अगला तो इसका उत्तर हो जाएगा सात हजार तीन सौ करोड़ नेक्स्ट अगला देखो अगला क्या है अगला ये है कि चंबल एंड हिंडन और, हिंडर और ये किसकी सहायक नदी है तो चंबल एंड हिंडन एंड टॉन्सन ये सब के सब दोस्तों किसकी यमुना की, की सहायक नदी इसमें सबसे लंबी आपकी हो जाएगी टॉन्स यमुना की सहायक नदी ठीक है ऊपर से अगर अपन देखें तो तो ये सब किसकी सहायक नदी है यमुना की तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था नेक्स्ट अगला देखो मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई तो दोस्तों ये ली गई है यूके यूके तो ब्रिटेन से से ली गई मार्शल जानते हैं ना जब एक तरीके सैनिक शासन ठीक है लागू होता है तो हमारे कुछ मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी जाती है ठीक है तो ये हमने कॉन्सेप्ट कहां से लिया दोस्तों ये यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम से लिया जबकि मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं यूएसए से लिए नेक्स्ट अगला अगला है कोपाकबाना समुद्र तट ये कहां पर है दोस्तों तो ये आपको मिलेगा ब्राजील में ये एक बीच है

संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता नहीं यह गलत है ऐसा थोड़ी कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर यहां की कोई संपत्ति खरीद लेगा तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी नहीं तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं यह स्टेटमेंट गलत है तो यही हमारा उत्तर है ये हमसे पूछा था कि कौन नागरिकता के संबंध में गलत स्टेटमेंट है तो संपत्ति के अधिग्रहण से मतलब आप यहां आकर कोई विदेशी व्यक्ति या भारत में आकर कोई संपत्ति अधिग्रहण कर लेगा खरीद लेगा तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी बिल्कुल नहीं तो यह स्टेटमेंट एकदम गलत है होगा नेक्स्ट अगला

दूसरा अगर आपसे पूछा जाए इस बार भी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था यह आखिरी पंचवर्षीय योजना है इसके बाद याद रखना देश में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है इसका उद्देश्य क्या था तो तीन वर्ड गांठ बांध दो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक तो वर्ड क्या है तीव्रतर क्या तीव्रतर इंग्लिश में बोले तो फास्टर ठीक है अगला वर्ड है पोषणीय क्या वर्ड है पोषणीय इंग्लिश में बोले तो सस्टेनेबल क्या इंग्लिश में बोले तो सस्टेनेबल और तीसरा वर्ड है अधिक समावेशी अधिक समावेशी अधिक समावेशी ठीक है मोर इंक्लूसिव मोर इंक्लूसिव ग्रोथ बोले तो विकास तो बताओ बारी पंच वर्ष योजना के उद्देश्य में तीन वे आदरण एक तो विकास कैसा विकास हो बताओ तीव्रतर फास्ट फास्ट होना चाहिए ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बस आराम से देखते हैं ठीक है कभी कभी डेवलपमेंट करेंगे नहीं तीव्रतर दूसरा पोषणीय विकास होना चाहिए मतलब आपने पढ़ा होगा सिक्स सेवंथ एट में एक डेफिनेशन आती थी हम पढ़ते थे वॉट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास से आपका क्या तात्पर्य है तो वो विकास जिसमें हम आज की तारीख में रिसोर्सेज संसाधनों का प्रयोग आज की तारीख में रिसोर्सेज संसाधनों का प्रयोग कुछ इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी क्या रखें ध्यान में जैसे अभी पेट्रोल वगैरह हम ही सारा यूज़ कर लेते हैं हम सोचते हैं ठीक है ना फ्यूचर वाले ऐसा तैसे कराए अपने को क्या मतलब है अपन तो अभी यूज़ कर लेते हैं नहीं ये तो गलत है ना ऐसा अगर हमारे परोजों ने सोचा होता तो बहुत सारे रिसोर्स से हम वंचित रह जाते तो ऐसे थोड़ी डेवलपमेंट हो पाएगा आगे तो विकास इस तरीके से करो कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी हम क्या रखें ध्यान में रखें ऐसे विकास को बोलते हैं पोषणीय विकास तो ये हमारी बारहवीं पंचवर्षीय 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 योजना का उद्देश्य था कि कैसा विकास होना चाहिए पोषण विकास होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होना चाहिए मतलब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें क्या करो शामिल करो तो बताओ बारवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था तीव्रतर पोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास बोलो तीव्रतर पोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास ठीक है और फिर उसमें हमें अचीव क्या क्या हुआ दोस्तों तो अगर पूछा जाए हमें हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ है ना रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है ना कितने निकली दोस्तों बारहवीं पंचवर्षीय योजना की तो वो निकली आठ परसेंट कितने परसेंट आठ परसेंट अगर पूछे एग्रीकल्चर कृषि में है ना एग्री कल्चर अगर आपसे पूछा जाए ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट कितनी निकली दोस्तों कृषि में तो याद रखना आधी कर दो चार परसेंट और अगर पूछे जो हम इंडस्ट्री में अगर बोले मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण जो चीजें बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग है ना मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रेट कितनी निकली दोस्तों तो वो निकली हमारी दस परसेंट यह सब डेटा किसका है बारहवीं पंचवर्षीय योजना का और यही अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है इलेवंथ फाइव ईयर प्लान का किसका दोस्तों 11th, जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी है ना ग्यारहवीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक 2007 से कब तक दोस्तों 12 तक ठीक है और इसमें याद रखना इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों तो इसके उद्देश्य में

फास्टर एंड या रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ एक ही बात है ये उद्देश्य था दोस्तों किसका ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का और एक चीज में पूछी जाती है इसमें हमें हमारी ग्रोथ रेट कितनी रही इसमें तो बस सिर्फ इतना ही ओवरऑल कुल मिलाकर ग्रोथ रेट कितनी रही दोस्तों तो इसमें हमारी जो ग्रोथ रेट रही थी एग्जैक्ट कितने परसेंट थी आठ परसेंट यह बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है इसकी अगर पूछा जाए ग्रोथ रेट कितनी थी दोस्तों तो इसकी ग्रोथ रेट हमेशा हमेशा याद रखना कितने परसेंट थी दोस्तों आठ परसेंट थी क्लियर है ग्यारहवीं की तो ये मैंने कुछ और भी आपको बता दिया ठीक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो इनमें से कौन सा विटामिन है जो 1897 में खोजा गया था और ये बी कैटेगरी का अपना पहला विटामिन था विटामिन बी था है हाँ ना तो 1897 में सबसे पहले बी में कौन सा बी खोजा गया था दोस्तों 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 और और कौन कौन सा होता दोस्तों? बी कौन सा होता होता है है की कमी से रोग कौन सा होता है तो अपने को याद रखना है बैरी बैरी क्या याद रखोगे बोलो बैरी बैरी तो बी वन की कमी से रोग तो होता है आपका कौन सा बताओ जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है बी वन की कमी से वो तो होती है बेरी बेरी और इसी को सबसे पहले खोजा गया था 1897 में है है ना किस, ना किस कब खोजा गया दोस्तों में बाकी के लिए बता देता हूं, तो क्या होता है बाल झड़ते बायोटीन वही होता है ठीक है, B7, होता है। और अलग है ऐसे लिख दिया है तो ये मैंने बता दिया आपको नेक्स्ट अगला देखो तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों थायमिन है सबसे पहले बी में यही खोजा गया था एटीन नाइन सेवन में बी वन जिसको अपन थायमिन कहते हैं अगला हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहां हुई है हा ना हाल ही में जो आपका है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बायो फ्रेमवर्क है ना जो फंड है उसकी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो पहली बैठक है दोस्तों कहां हुई है तो वो भी है दोस्तों यूएसए जो देश है अमेरिका उसकी राजधानी क्या है दोस्तों वाशिंगटन डीसी वहां पर इसकी बैठक हुई है डीसी याद रखना ओनली वाशिंगटन नहीं वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पूरा होता है फुलफॉर्म उसकी ठीक है तो उसकी पहली बैठक दोस्तों फैक्ट है आपको याद रखना है ना वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी थी हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से किसको इनमें से जो आपके सामने चार ऑप्शन रखे हैं उनको सम्मानित किया गया है तो ये भी एक फैक्ट है याद रखना पड़ेगा दोस्तों इसका उत्तर है प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी को सम्मानित किया गया नेक्स्ट अगला हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक है ना के तहत है ना सेमी क्रायोजेनिक जो इंजन वगैरह तो उसके तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण किया है तो ए अगर आपसे पूछा जाए तो कहां किया गया तो सफल परीक्षण दोस्तों इसका कहां पर किया गया ये हमारा जो एक नया लॉन्चिंग स्टेशन भी बन रहा है कहां दोस्तों तमिलनाडु में वहां से किया गया तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट है इसमें क्या रॉकेट साइंस समझाने वाला तो कुछ है नहीं ये तो फैक्ट है तो आपको ही रखना पड़ेगा ये भी एक फैक्ट है और आ, आज के स्मॉक टेस्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए जो बाहर के लोग होते हैं ना नॉन रेजिडेंशियल इंडियन होते हैं जो गैर प्रवासी भारतीय होते हैं ना गैर प्रवासी भारतीय होते हैं उनके लिए भी यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रारंभ किए कौन से बैंक ने किए दोस्तों जो एनआरआई लोग होते हैं उनके लिए भी पेमेंट सर्विस दोस्तों यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू की है तो वो कौन से बैंक ने शुरू किए दोस्तों वो की है आईसीआईसीआई ने आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट की तो दोस्तों आज की क्लास के यही अपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे जो मैंने जो जिसमें जिस क्वेश्चन में, में एक्सप्लेनेशन की जहाँ नीड थी वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके एक एक बताया जहाँ नीड थी वहाँ डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि इसका उत्तर ये होगा इसी के साथ दोस्तों अपन आज के इस मॉक टेस्ट को एंड करते हैं इतने ही क्वेश्चन थे मिलते हैं नेक्स्ट आपका जो मेन्स का पेपर होगा उसके सोल्यूशन के साथ तो ठीक है तब तक के लिए आप अपना अच्छे से पढ़िए मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन में थैंक यू